वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पोएम नंबर 4, क्लास 9, CBSE एंड UP बोर्ड। नेम ऑफ द बुक इज बीहाइव एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। कंपोज बाय विलियम बटलर ईस्ट, जिनको हम WB ईस्ट के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है CBSE और UP बोर्ड का सिलेबस एक ही हो चुका है, तो आज हम CBSE और UP बोर्ड की क्लास 9th की जो चौथी पोयम है बीहाइव नामक किताब की, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और पोयम का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। द लेक मीन्स झील होता है, आइल का मतलब होता है आयरलैंड को, आइलैंड को शॉर्ट में आइल बोला हुआ है, और इनिसफ्री एक स्थान का नाम है। तो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री यानी इनिसफ्री नाम की आयरलैंड की झील। पोएम को कंपोज किया है विलियम बटलर ईस्ट ने। स्टूडेंट्स, जो विलियम बटलर ईस्ट थे वो आयरिश पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, प्रोज राइटर थे, और 20th सेंचुरी के वन ऑफ द फॉरमेस्ट फिगर रहे, यानी जो अच्छे पोएट राइटर और प्रोज राइटर और ड्रामाटिस्ट हुए हैं 20th सेंचुरी में लिटरेचर में, उनमें से एक फिगर जो बहुत फेमस फिगर्स थे उनमें से एक WB ईस्ट रहे हैं। आयरिश लिटरेरी की और एस्टेब्लिशमेंट की इनको एक पिलर माना जाता है, और उन्होंने एबे थिएटर के फाउंड करने में विशेष योगदान दिया था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट, प्रोज राइटर और पोएट रहे हैं आयरिश के। जहाँ तक हम इनकी बात करते हैं, इनका जन्म 13 जून 1865 को सैंडी माउंट में हुआ था आयरलैंड में, और इनकी जो डेथ थी वो 28 जनवरी 1939 को हो गई थी। तो इस तरह से ये था आपका पोएट के बारे में। जहाँ तक पोएम की बात है स्टूडेंट्स, लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, एक इनिसफ्री मैंने जैसा बताया कि एक जगह का नाम है, और चूंकि पोएट कि जो यूथ है या चाइल्डहुड हम कह सकते हैं, तो बाल्यकाल पोएट का इनिसफ्री में काफ़ी व्यतीत हुआ है, इसलिए एक अट्रैक्शन है। जैसा हमारे यहाँ कहते हैं ना, जननी जन्म भूमिच, यानी जहाँ किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति को अपनी उस जन्मभूमि से विशेष लगाव होता है। जहाँ आपका बाल्यकाल बीता हो, जहाँ आपका बचपन बीता होता है, तो आपको उस जगह से बहुत लगाव होता है, बहुत सारी यादें आपकी उस जगह से जुड़ी हुई होती है। ठीक इसी तरह से आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब भी आपको लगता है कि आप अब फ्री हैं, तो फुर्सत मिलते ही आप उसी स्थान पर लौटना चाहते हैं, उसी स्थान पर वापस आना चाहते हैं जहां से आपकी स्मृतियां ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं, और विशेष रूप से जहां आपका बचपन बीता है, जहां आपका बाल्यकाल बीता है, उस स्थान पर आप ज़्यादा जाना उस तुरंत पहुँचना चाहते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ है। जो पोएट है विलियम बटलर, वो इनिसफ्री से चूंकि उसकी अटैच्ड है, उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो जाना चाहता है इनिसफ्री में। तो इसलिए पोएम का नाम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है। देखते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी और अंग्रेजी में स्टेंजा वाइज लाइन टू लाइन संपूर्ण व्याख्या पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोएट्स लॉजिंग ऑफ पीस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वेल नोन पोएम है, और इस वेल नोन पोएम को हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का लिरिक है। लिरिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसी पोएम, शॉर्ट पोएम, जिसको हम जो आपके वाद्य यंत्र हैं, यानी आपके जो संगीत उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं, उनके ऊपर गाया जा सके, यानी जिसको संगीतबद्ध किया जा सके, जिसको म्यूजिक के साथ गाया जा सके, ऐसी छोटी पोएम को लिरिक कहते हैं। तो ये पोएम लिरिक है। दिस वेल नोन पोएम
एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्जिंग ऑफ पीस। अब देखिए, पोएट को क्या तलाश होती है? शांति की तलाश होती है। तो ये पोएम ये एक्सप्लोर करती है कि पोएट की इच्छा है शांति की, एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, और इनिसफ्री के प्रति उसका अटैचमेंट, उसको एक्सप्लोर करती है। इनिसफ्री क्या है? ए प्लेस, देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, इनिसफ्री क्या है? ए प्लेस वेयर स्पेंट लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। जब वो लड़का था छोटा, तो एज ए बॉय उसने काफ़ी समय वहाँ पर व्यतीत किया है। इसलिए ये पोएम जो है पोएट की लॉन्जिंग ऑफ द पीस और अटैचमेंट ऑफ इनिसफ्री, यानी उसको ये लगता है कि मुझे शांति वहीं मिलेगी, क्योंकि उसका जो बॉयहुड है वो इनिसफ्री में स्पेंट हुआ है। दिस पोएम इज ए लायरिक। लायरिक मीन्स, लिरिक मीन्स क्या होता है? लिरिक मीन्स होता है गीत, जिसको म्यूजिक के साथ प्ले किया जा सके। तो ये पोएम एक लिरिक है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है पोएट? आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। नाइन बीन्स रोज विल आई हैव देयर, आई ए हाइव फॉर द हनी बी एंड लाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। क्या कहता है पोएट? आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। आई यहाँ पोएट ने किसके लिए यूज किया है? अपने स्वयं के लिए यूज किया है। आई विल अराइज, अराइज मीन्स होता है गेट अप, खड़े हो जाना, एंड गो नाउ, अब मैं जाऊँगा, मैं उठूँगा और अब मैं जाऊँगा, एंड गो टू इनिसफ्री, और कहाँ जाऊँगा? इनिसफ्री जाऊँगा। तो पोएट कहता है कि मैं अब उठूँगा और इनिसफ्री जाऊँगा। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, एंड माने और, ए स्मॉल केबिन, केबिन मीन्स होता है एक कॉटेज टाइप कह सकते हैं, एक रूम कह सकते हैं। केबिन, केबिन का मतलब रूम ही होता है, यानी एक छोटा सा केबिन जिसमें जो चार तरफ से दीवार से घिरा हो और जिसकी एक छत हो, तो उसको केबिन कहते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि हम देखा होगा कि एक रूम के ही अब जो ऑफिस वगैरह होती है उसमें केबिन बना लिया जाता है। स्पेशली आप जो बैंक वगैरह में जा कर के देखें, और जहाँ कैश का आदान प्रदान होता है, यानी जहाँ कैश डिपॉजिट होता है और जहाँ से कैश कस्टमर्स को दिया जाता है, वो पलाई से बना करके चारों तरफ से घेर करके एक छोटा सा केबिन बना दिया जाता है, उसको केबिन कहते हैं। एंड इस बार यहाँ हम रूम कह सकते हैं। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और मैं एक छोटा सा रूम बनाऊँगा, और रूम किससे बनाएगा? पोएट ये कहता है ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। रूम किससे बनाएगा? क्ले, क्ले मीन्स मिट्टी, एंड वेटल्स, वेटल्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वेटल्स होती हैं जो जंगल में मिलने वाली लकड़ियाँ, और वो भी सीधी नहीं, वो मुड़ी तुड़ी लकड़ियाँ जो होती है, ट्विस्टेड ट्विग्स ये कह सकते हैं। तो ट्विस्टेड ट्विग्स यानी टहनियाँ पेड़ पौधों की लकड़ियाँ मुड़ी तुड़ी, उनसे और मिट्टी से एक स्मॉल केबिन बनाऊँगा। तो आप पोएट क्या चाहता है? आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, कि मैं अब उठूँगा और इनिसफ्री जाऊँगा, और क्या करना चाहूँगा वहाँ? क्ले और वेटल से अपने लिए एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा, अपने लिए एक छोटा सा कॉटेज बनाऊँगा। और क्या चाहता है? और कहता है नाइन बीन्स रो विल आई हैव देयर। क्या है? नाइन बीन रोज, नाइन बीन रोज, बीन मीन्स होता है एक खाद्य पदार्थ होता है, एक तरह का एक खाने की चीज़ होती है। अब चूँकि जब वहाँ जा कर के रहेगा तो खाने पीने के लिए भी चाहिएगा, तो यहाँ इसको हम फूड से रेफर कर सकते हैं कि मैं वहाँ अपने लिए भोजन उगाऊंगा। ए हाइव फॉर द हनी बी, हाइव मीन्स होता है छत्ता, किसका? मधुमक्खी का। फॉर हनी बी, हनी बी मीन्स होता है शहद। कहता है कि मैं, मेरे पास एक वहाँ मधुमक्खी का छत्ता होगा, और उस मधुमक्खी के छत्ते से मुझे शहद प्राप्त होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और कहता है एंड लिव अलोन, और मैं अकेला रहूँगा इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड मीन्स होता है छायादार स्थान, और बी लाउड मीन्स जहाँ पर मधुमक्खियों का भिन भिनाहट हो, जहाँ मधुमक्खियों का शोर हो, चूँकि हनी बीज जो होती हैं जहाँ भी होती हैं, तो उनकी उड़ने के टाइम उनके पंखों से वो एक
स्पेशल सी आवाज़ उत्पन्न करती है। तो पोएट कहता है कि मैं अकेला रहूँगा और ऐसे स्थान पर रहूँगा जहाँ जो मधुमक्खियाँ हैं वो छायादार स्थान पर जोर जोर से भिन भिनाती हों, ऐसे स्थान पर मैं अकेला रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट स्टेंजा फिर से एक बार देखते हैं। पोएट कहता है, विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। मैं अब उठूँगा, इनिसफ्री जाऊँगा, वहाँ अपने लिए एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा। और वो केबिन जो है मेरा किससे बना होगा, वो केबिन वो कहता है कि क्ले से बना होगा और वेटल से बना होगा। और कहता है कि मैं अपने लिए वहाँ भोजन उगाऊंगा और मेरे लिए शहद के लिए वहाँ मधुमक्खी का छत्ता होगा और मैं अकेला उस छायादार स्थान पर रहूँगा जहाँ मधुमक्खियाँ भिन भिन आती हों। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट स्टेंजा हो गया। यदि हम फर्स्ट स्टेंजा में देखें, पहले हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करते हैं आपकी राइमिंग वर्ड्स की। स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड क्या होता है, जो पोएम होती है, पोएम की जो अंतिम पंक्ति का अंतिम जो वर्ड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन स्टेंजा की किस लाइन के अंतिम वर्ड से की तरह का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसको हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो इसकी अपनी एक स्कीम होती है। यदि हम यहाँ देखें तो देखिए, फर्स्ट लाइन के लास्ट में क्या है, इनिसफ्री, और थर्ड लाइन के लास्ट में क्या है, हनी बी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनिसफ्री हनी बी के साथ राइम कर रहा है। और जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मेड, और जो हम फोर्थ लाइन का देखें ग्लेड, तो ग्लेड मेड के साथ राइम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम करती है और सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम करती है। और जब इस तरह की स्कीम होती है तो स्टूडेंट्स हम उसको कहते हैं ए बी ए बी। तो इसकी इस स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी ए बी है। नाइन्थ क्लास में राइमिंग स्कीम नहीं पूछी जाती, केवल राइमिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ सीधा सा यदि राइमिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनिसफ्री राइम विद हनी बी एंड मेड राइम विद ग्लेड। तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, देखते हैं पोएम का दूसरा स्टेंजा। दूसरे स्टेंजा में क्या कहता है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अपना जो बॉयहुड है उसने वहाँ स्पेंड किया है काफ़ी लंबा समय, तो पोएट को लगता है कि वहाँ उसको शांति प्राप्त होगी, इसलिए वो क्या कहता है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ कुछ शांति की प्राप्ति होगी। और क्या कहता है, फोर फोर मीन्स होता है क्योंकि, पीस पीस मीन्स शांति, कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति जो होती है, कम्स मीन्स आती है ड्रॉपिंग स्लो, बूंद बूंद करके, ड्रॉपिंग स्लो, स्लो मीन्स धीरे धीरे, शांति की प्राप्ति एकदम से नहीं होती, शांति की प्राप्ति धीरे धीरे होती है। तो कहता है कि मैं वहाँ शांति प्राप्त करूँगा, आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ कुछ शांति की प्राप्त होगी, क्योंकि जो शांति होती है वो ड्रॉपिंग स्लो, कम्स ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे प्राप्त होती है, शांति की धीरे धीरे प्राप्ति होती है, यानी शांति धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग कहाँ से आएगी, अब देखिए शांति कहाँ से आएगी वो भी बता रहा है, शांति कहाँ से आएगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम, कहाँ से आएगी, फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, व्हील्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स घूंघट जिसको कहते हैं, पर्दा। आपने देखा होगा जो हमारे जो महिलाएं होती हैं, स्पेशली जो मैरिड महिलाएं होती हैं, वो व्हील्स करते हैं, व्हील्स मीन्स घूंघट निकालती है, मीन पर्दा करती हैं। जो एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली है, विशेष रूप से जो फादर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, स्पेशली बड़े भाई, उनसे जो घूंघट निकालती हैं उसको पर्दा करते हैं, पर्दा कहते हैं, व्हील्स कहते हैं इंग्लिश में। तो अब शांति कहाँ से प्राप्त होगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग। अब देखिए मॉर्निंग, व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, व्हील्स ऑफ मॉर्निंग का मतलब सुबह का घूंघट, सुबह का आवरण। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, व्हील्स ऑफ मॉर्निंग का मतलब होगा, व्हील्स ऑफ मॉर्निंग का मतलब हो गया यानी ऐसी सुबह जिसमें कुछ क्लाउड्स हो, यानी बादल छाए हुए हो। अब यहाँ जो इमेजिनेशन है पोएट की वो क्या है कि व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग यानी सुबह का जो घूंघट होगा वो क्या होगा, यानी सुबह का ऐसा समय जब सुबह के समय आसमान में बादल छाए हों, तो पोएट की यहाँ इमेजिनेशन है कि वो मॉर्निंग का जो क्लाउड है, वो क्लाउड को उसने मॉर्निंग का क्या मान लिया, मॉर्निंग का व्हील्स मान लिया, यानी सुबह का घूंघट मान लिया, यानी सुबह जब
बादलों से आच्छादित होगी, जब सुबह को बादल आसमान को ढके होंगे, उसने उसको कह दिया क्या, मॉर्निंग, व्हील्स ऑफ मॉर्निंग। तो कहता है कि शांति कहाँ से आएगी, व्हील्स ऑफ मॉर्निंग से आएगी, यानी प्रातःकाल के, यानी प्रभात के, यानी सुबह के घूंघट से शांति धीरे धीरे आएगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स होता है एक तरह का इंसेक्ट होता है, जैसा आपने ग्रासोफर देखा है, तो ग्रासोफर थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, और जो क्रिकेट होता है वो उसी कैटेगरी का होता है, उसी की प्रजाति का होता है, लेकिन क्रिकेट जो होता है वो छोटा होता है साइज में, और ये स्पेशल तरह की आवाज़ निकालता है, जिसको यहाँ पोएट ने क्या कह दिया, वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ क्रिकेट, यानी जहाँ झिंगुर, झिंगुर भी हम कह सकते हैं इसको, क्रिकेट को, जहाँ झिंगुर गाते हैं। तो दो चीज़ें, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, शांति कहाँ से प्राप्त होगी, व्हील्स ऑफ मॉर्निंग से प्राप्त होगी, और वहाँ उसी स्थान से प्राप्त होगी जहाँ पर झिंगुर गाते हैं। और क्या कहता है, देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, देयर मिडनाइट्स यानी उस स्थान की जो आधी रात होगी, ऑल ए ग्लिमर, ग्लिमर मीन्स चमकदार होगी, इट मीन्स आसमान बिल्कुल साफ होगा, वहाँ तारे खिले हुए होंगे, तारे खिले होंगे तो आधी रात जो होगी वहाँ की, मिडनाइट जो होगी वो कैसी होगी, ग्लिमर होगी। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और जो दोपहर का समय होगा ए पर्पल ग्लो, पर्पल ग्लो का मतलब आसमान बिल्कुल साफ होगा, और जब सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ होगा, तो वहाँ एक पर्पल यानी बैंगनी कलर की ग्लो आ जाएगी, एक चमक आ जाएगी। एंड इवनिंग, और जो वहाँ की शाम होगी वो कैसी होंगी, फुल ऑफ लिनेट्स विंग, लिनेट एक प्रकार का बर्ड होता है, एक छोटा प्रकार का पक्षी होता है, और इस तरह का पक्षी जो इनिसफेरी है उसमें काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, यानी प्लेंटी ऑफ पाए जाते हैं, तो प्लेंटी ऑफ लिनेट्स वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए जब वो आसमान में उड़ते हैं तो जो इवनिंग होती है, शाम के समय जब उड़ते हैं तो वो पूरा आसमान उन लिनेट्स नामक जो बर्ड हैं उनके विंग्स से ढक जाता है, इसलिए इवनिंग जो होगी वो फुल ऑफ लिनेट विंग, यानी लिनेट नामक पक्षी के पंखों से भरी हुई होगी। उस स्थान पर पोएट इमेजिनेट करता है कि मुझे शांति की प्राप्त होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम फर्स्ट लाइन को देखते हैं तो फर्स्ट लाइन में क्या कहता है, स्लो, जब हम राइमिंग स्कीम की बात कर रहे हैं, और थर्ड लाइन क्या कहता है, ग्लो, तो स्लो ग्लो, तो क्या हुआ, ए बी। और यदि हम सेकेंड लाइन को देखें, सिंग्स, और फोर्थ लाइन को देखें, विंग्स, तो फिर क्या हुआ, ए बी, ए बी, ए बी, यानी वही जो पहले स्टैंजा में स्कीम थी वही स्कीम यहाँ पर है, राइमिंग स्कीम, यानी स्लो किसके साथ राइम कर रहा है, ग्लो के साथ राइम कर रहा है, और सिंग किसके साथ कर रहा है, विंग्स, सिंग्स, विंग्स, स्लो, ग्लो, या हम ये कहें कि जो राइमिंग वर्ड्स हैं स्टैंजा में वो क्या है, स्लो राइम्स विद ग्लो एंड सिंग्स राइम्स विद विंग्स। यदि हम देखते हैं इसमें, तो इसमें सेकंड लाइन को यदि हम देखें स्पेशली, तो सेकंड लाइन में हम देखते हैं व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि व्हील्स क्या होता है, व्हील्स होता है घूंघट, और घूंघट क्या होता है, घूंघट कौन निकालता है, कोई ह्यूमन बीइंग निकालता है, और पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जिसमें किसी नॉन लिविंग थिंग को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं। तो व्हील्स ऑफ मॉर्निंग यानी मॉर्निंग को यहाँ क्या मान लिया, जैसे कि मॉर्निंग कोई लेडी है, कोई महिला है, और वो पर्दा निकाल लिया घूंघट किए हुए, तो यहाँ मॉर्निंग को चूंकि पर्सोनिफाइड कर दिया, इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, इसको पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। और दूसरा स्टूडेंट्स, यहाँ कंपेयर किससे की गई है, देखिए कंपेयर किससे की गई है, मॉर्निंग की कंपेयर की गई है व्हील से। और जब दो चीज़ों की कंपेयर, दो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर विदाउट कंप्रीजिंग वर्ड लाइक सो एज, यानी दो अलग अलग तरह की चीज़ों की कंपेयर की जाती है, और कंपेरिजन करने के लिए जब हम लाइक एज सो एज का प्रयोग नहीं करते तो उसको हम मेटाफर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ इस लाइन में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी है और पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है, तो दोनों फिगर ऑफ स्पीच इसमें दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेकेंड लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है, और सेकेंड लाइन में आपका क्या, सेकेंड लाइन में आपका
मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी है। तो ये वो आपका स्टूडेंट्स सेकंड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। थर्ड स्टेंजा में आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट ग्रे। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। अब यहाँ क्या कहता है पोइट, क्या कहता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में भी आई है, यही वर्ड्स आई विल अराइज एंड गो नाउ। जब ओपनिंग लाइन थी, ओपनिंग स्टेंजा था इस लिरिक का, तो तभी भी ये लाइन आई थी, यानी ये लाइन फिर से रिपीट हो रही है। इसलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि रिपीटिशन है, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि लाइन फिर से रिपीट हो रही है। तो आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब कहता है कि मैं उठूंगा और अब जाऊंगा फॉर ऑलवेज। अब देखिए उसका उसका एक रीजन भी बता रहा है, फॉर माने क्योंकि, ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा दिन हो या रात हो मैं उठूंगा और इनिस फिर ही जाऊंगा, क्योंकि हमेशा चाहे दिन रहा हो या रात रही हो। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। आई हियर, मैं सुनता हूँ द लेक वाटर, लेक के पानी को, लैपिंग, लैपिंग मीन्स टकराने पर, जब पानी टकराता है तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है, लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। शोर मीन्स होता है झील का किनारा, समुद्र का किनारा, तट, बैंक कह सकते हैं हम, बैंक ऑफ द लेक। तो कहता है कि मैं उठूँगा और जाऊँगा, क्योंकि दिन हो या रात हो मुझे हमेशा उस लेक के पानी का, जो किनारे पर टकराते हैं पानी, उस पानी के किनारे पर टकराने की जो पट पट की आवाज़ होती है वो मुझे हमेशा सुनाई देती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो राइटर है वो इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड है उस स्थान से, इसलिए अक्सर उस स्थान को याद करता रहता है और उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा महसूस करता है जैसे कि वहाँ पानी की, जो झील का पानी है वो जब अपने किनारे पर जाकर के टकराता है तो उस पे पानी के किनारे, पानी का किनारे पर टकराने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो लगातार उसको सुनाई देती रहती है। इसलिए उसने कहा कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अब उठूंगा और जाऊंगा, क्योंकि दिन हो या रात हो मुझे झील के पानी की, झील के किनारे पर टकराने की हल्की हल्की मध्यम सी आवाज़, लो साउंड, लो साउंड मीन्स हल्की आवाज़, हमेशा सुनाई देती रहती है। ये कारण भी है, पहला कारण इसने क्या बताया कि शांति की तलाश में जाऊंगा, क्योंकि शांति धीरे धीरे प्राप्त होती है और वो स्थान ऐसा है जहां पोएट को शांति मिलती है। और दूसरा उसने कारण क्या बता दिया, दूसरा कारण उसने ये बता दिया कि मैं इसलिए भी निष्फ्री जाऊंगा क्योंकि दिन हो या रात हो वहां जो झील का पानी है वो जब झील के किनारों से टकराता है तो उसके टकराने की जो हल्की हल्की आवाज़ है वो दिन हो या रात हो मुझे हमेशा सुनाई देती रहती है। और मुझे एक तरह से पोएट इमेजिनेट कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि वो आवाज़ मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, वो मुझे बुला रही है, इसलिए मैं उठूंगा और इनिस्फ्री जाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि इस लाइन में हम देखें तो इस लाइन में हम देखें लेक, लैपिंग और लो, और तीनों जगह यदि हम देखें तो क्या एल बार बार रिपीट हो रहा है, लेक में, लैपिंग में और लो, तो तीन बार इस लाइन में तीन बार एल रिपीट हुआ है। और जब किसी पंक्ति में, जब किसी पोएम की लाइन में कोई लेटर बार बार रिपीट होता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लाइन में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, क्योंकि इस लाइन में जो एल वर्ड है, जो एल लेटर है, वो लेख में भी आया है, वो लैपिंग में भी आया है और लो में भी आया है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर इस लाइन में हमारा एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। तो हम पोएटिक डिवाइस की बात करें या फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है, चूँकि एल तीन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर रहा है, लेक में भी एल आया है, लैपिंग में भी एल आया है और लो में भी एल आया। तो सेकेंड लाइन में एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुई है।
देखिए थर्ड लाइन क्या कहता है, व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, क्या कहता है? अब इसने तो बताया, पहले तो ये बताया था कि दिन हो या रात हो, मुझे झील के पानी की झील के किनारे से टकराने की धीमी धीमी आवाज़ हमेशा सुनाई देती रहती है। और फिर क्या बताता है, व्हाइल व्हाइल माने जब, आई स्टैंड ऑन द रोडवे, मैं जब सड़क पर खड़ा हो जाता हूँ, जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ, आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क मार्ग पर खड़ा होता हूँ, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, या जो पेमेंट होता है पेमेंट्स ग्रे कलर का, ग्रे कलर का सड़क ग्रे कलर की होती है, पेमेंट का मतलब होता है गलियारा यानी रास्ता, तो जब मैं पेमेंट पे खड़ा होता हूँ या रोडवे पर खड़ा होता हूँ जो ग्रे कलर के होते हैं, तो आई हियर इट इन डीप हार्ट स्कोर, आई हियर मीन्स मैं सुनता हूँ, इन द डीप हार्ट स्कोर, डीप माने गहराई से, हार्ट स्कोर का मतलब होता है दिल की गहराई से, कोर मीन्स होता है स्टूडेंट्स, कोर मीन्स होता है किनारा, एज कोर मीन्स किनारा होता है, एज होता है। तो यहाँ राइटर ने या पोएट ने क्या कहना चाहा है, यहाँ पोएट ने कहना चाहा है कि जब मैं गलियारे पर खड़ा होता हूँ या सड़क पर खड़ा होता हूँ, सड़क मार्ग पर खड़ा होता हूँ, तो उस समय मैं उस पानी के, जो झील का पानी है, उसके किनारे से टकराने की आवाज़ को बार बार सुनता हूँ, बार 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 सुनता हूँ। तो इसलिए यहाँ पोएट कहना चाहता है, क्योंकि ऑलवेज नाइट हो या डे हो मुझे सुनाई देती है, और जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ तब भी, जब पेमेंट पर खड़ा होता हूँ तब भी, मुझे दिल की गहराइयों से उस पानी के झील के किनारे से टकराने की आवाज़ लगातार सुनाई देती है। तो इसलिए वो कहता है, इसलिए भी मैं इनिसफ्री जाना चाहता हूँ, इनिसफ्री जाना चाहता हूँ, और मैं शांति की तलाश भी चाहता हूँ, और क्योंकि मैंने लंबा समय वहाँ व्यतीत किया है, इसलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं उस स्थान पर जा कर के फिर से उस आवाज़ को सुनूँ। तो स्टूडेंट्स, यदि हम इस स्टैंजा को देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, डे, और थर्ड लाइन का क्या है, ग्रे। तो डे और ग्रे दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का चूंकि प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि डे राइम विद ग्रे। और यदि हम सेकंड लाइन को देखें शोर, और फोर्थ लाइन को देखें कोर, तो शोर कोर के साथ राइम कर रहा है और डे ग्रे के साथ राइम कर रहा है, तो डे राइम विद ग्रे एंड शोर राइम विद कोर। तो इस तरह से हम यहाँ फिर कहेंगे कि इस स्टैंजा में भी जो राइमिंग स्कीम ए बी यानी फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम कर रही है और सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ, डे राइम विद ग्रे एंड शोर राइम विद कोर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपकी पोएम फिनिश हो जाती है। बहुत अच्छा ये लायरिक था, विलियम बटलर यीस्ट द्वारा कंपोज किया हुआ, आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पोएम को शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि वो भी इस पोएम इस वीडियो के माध्यम से अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।